You're watching Exposed India. नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले मुख्य सरगना समेत तीन ठगों को लखनऊ की महानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड उमेश कुमार राय है, जो कृषि विभाग में सहायक प्रधान के पद पर कार्यरत है। वहीं दो आरोपी जाफरी और मनोज नौकरी दिलाने का झांसा देकर क्लाइंट को लेकर आते थे और उमेश अपनी नौकरी का प्रभाव दिखाकर उनसे पैसे ऐंठता था। यही नहीं, इंटरव्यू के नाम पर सरकारी कैंपस में ही उनसे केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाता था। इसके बाद उनके बेसिक अकादमी सर्टिफिकेट मांगे जाते थे ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि वो सही में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके साथ ही सभी व्यक्ति से 2 से 3 लाख रुपए की डिमांड की जाती थी। सरकारी नौकरी के नाम पर तीनों ने कई युवकों से पैसा लिया था। वहीं इस मामले को लेकर SSP दीपक कुमार ने बताया कि विवेक नाम का एक युवक इनके झांसे में फंस गया और उसे नौकरी दिलाने के नाम पर इन जालसाजों ने 1.5 लाख रुपए लिए थे और उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी अपने पास रख लिए थे। गिरोह को लखनऊ पुलिस के द्वारा आज पर्दाफाश किया गया। इस गिरोह के पर्दाफाश में हमारे क्षेत्राधिकारी महानगर और SHO महानगर की उल्लेखनीय भूमिका रही। एक ग्रुप उमेश कुमार राय, जो कि कृषि विभाग में कार्य करते हैं, इनके दो साथी जाफरी अली और मनोज कुमार तिवारी, ये तीन लोगों के साथ ये काम करते थे और इन्होंने ये इश्तहार निकालते थे लोगों से कॉन्टैक्ट करके कि आपको हम सरकारी विभाग में नौकरी लगा देंगे, उसके नाम पर 5 लाख से 10 लाख रुपया ये कहते थे। और इंटरव्यू देने के बहाने इन्होंने लोगों को बुलाया और इंटरव्यू भी इन्होंने लोगों से लिया। तीन लोग ऐसे मिले हैं जिनके पास से इसने पैसा लिया था, उसमें से एक आदमी का, और सभी का ये मूल प्रमाण पत्र अपने पास रख लेते थे। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।